अस्सलाम वालेकुम। पाक अरब न्यूज़ में खुश आमदीद। एक हफ़्ते में 17,000 से ज़्यादा गैर कानूनी तारिकीन गिरफ्तार। गुज़श्ता एक हफ़्ते के दौरान सऊदी अरब में 17,598 गैर कानूनी तारिकीन गिरफ़्तार हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक गैर कानूनी तारिकीन के ख़िलाफ़ काम करने वाले मुश्तरका कमेटी ने कहा है कि मज़कूरा तादाद 2 सितम्बर से 8 सितम्बर तक की है। मुश्तरका कमेटी ने कहा है कि गिरफ़्तार शदगान में 6,594 इकामा कवानीन के ख़िलाफ़ वर्जी के मुर्तकिब थे। इस तरह 9,229 गिरफ़्तार शदगान सरहदों की ख़िलाफ़ वर्जी के मुर्तकिब थे, जबकि 1775 अफराद लेबर कवानीन के ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे थे। मुश्तरका कमेटी ने मुल्क भर में गैर कानूनी तारिकीन के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी रखा हुआ है। कमेटी ने कहा है गिरफ़्तार शुदगान में से 202 अफराद ऐसे थे जो सऊदी अरब के सरहदों के ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए मुल्क में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इनमें 48% यमनी, 49% इथोपियन, जबकि 3% देकर मुल्कों से ताल्लुक़ रखते थे। इस तरह 21 अफराद को भी गिरफ़्तार किया गया है जो सरहदी कवानीन के ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए बैरूनी मुल्क जाने की कोशिश कर रहे थे। कमेटी ने कहा है कि गिरफ़्तार शुदगान में 12 अफराद ऐसे हैं जिन्हें गैर कानूनी तारिकीन को सहूलत देने पर हिरासत में लिया गया है।